हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ध्यान रखिए, रिजल्ट के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स आप लोग ओरिजिनल तैयार रखें और उनकी फोटोकॉपी कराकर 3 सेट बना लें। ओके, लगभग 3 सेट आपके पास होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स के। वेरिफिकेशन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगाना होगा, 10th और 12th की मार्कशीट आपको लगेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा डीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट आपको लगाना होगी। ग्रेजुएशन यदि आपके पास है तो आप उसकी मार्कशीट भी लगाएंगे। साथ ही साथ यदि बीएड आपने किया है तो बीएड की मार्कशीट भी आपको लगाना होगी, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास यानी कि जो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगाना होगा। रोजगार पंजीयन ये मस्ट है, आप लोग ध्यान रखें, रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी, ओके, उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है अतिथि शिक्षक का, तो गेस्ट फैकल्टी का, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे। साथ ही टेस्ट एडमिट कार्ड और जो आपका रिजल्ट आया है उसकी प्रति भी आपको यहाँ पर लगानी होगी। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र और यदि आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। आपको सजेस्ट करूँगी एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो था वो फोटो भी आप लोग अपने पास रखें, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। यदि सेम फोटो आपके पास नहीं है तो आप लोग अभी का लेटेस्ट जो आपका फोटो है उसको निकलवा कर रखें, ठीक है। एमपीपीईबी की साइट पर आपको सारे गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट दस्तावेज बता दिए हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लगेंगे, तो आप लोग इन सभी को तैयार रखें। मैं आपको फिर कह रही हूँ, इन सभी की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ फोटो कॉपी आप लोग इनकी करा लें। 3 सेट आपको बनाने होंगे, तो रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। यदि इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।